Hi guys, wish you a very very good morning. This is Mahesh Joshi and you are watching me on the channel of AchieveIS. So here it is 1st of October and we are going to take today's Hindu news analysis. The first news is based on civil services only and the news is Supreme Court refuses the shift civil services exam from October 4th. आपको बता दूँ कि 4th October को civil services की exams होने हैं और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से रिफ्यूज़ कर दिया है. पेटिशंस लगाई गई थी और काफ़ी जो है कोशिश की जा रही थी कि एग्ज़ाम रिफ्यू जो है पोस्टपोन हो जाए. पोस्टपोन होने का रीज़न ये था, पोस्टपोन की डिमांड का रीज़न ये था कि कोविड 19 के चलते जिस तरीके की सिचुएशंस चल रही है और जिस तरह के केसेस कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं और जिस तरीके से डेथ टोल्स भी बढ़ रहे हैं, तो उन सब सिचुएशंस को देखते हुए अल्टीमेटली एस्पिरेंट्स की डिमांड थी कि क्योंकि कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो विड्रॉल फॉर्म के बाद विड्रॉल कर सकते हैं, इसकी जो एक डिमांड की गई थी, तो उसके बेसिस पर बच्चों ने कर भी लिया और जिन बच्चों ने नहीं भी किया तो कोविड 19 पॉजिटिव जो बच्चे हैं वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे. वहीं अगर मैं बात करूँ जो रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ के चलते वो जो है सिटीज़ में या अर्बन एरिया में आकर एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे. तो ये सारी सिचुएशंस, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को परेशान कर रही थी, एस्पिरेंट्स को परेशान कर रही थी. इसी के चलते उन्होंने डिमांड की थी कि एग्ज़ाम्स जो है वो 4th अक्टूबर से आगे की तरफ कहीं शिफ्ट हो जाए. ओके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से उसे रिफ्यूज़ कर दिया है. कोर्ट एग्रीज विथ UPSC ऑन कैलेंडर कॉन्स्टेंट्स बट आस्क फॉर दी कंसेशन. कंसेशंस जो है उसके लिए बात की है बट सॉरी फॉर दिस. ओके, एंड लेकिन कोर्ट एग्री हो चुका है UPSC के कैलेंडर के अकॉर्डिंग, उसके कॉन्स्टेंट के मुताबिक, बट जो कंसेशन है उसके लिए पूछा गया है. इट वॉज जस्ट आस्क्ड फॉर कंसेशंस. सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे रिफ्यूज्ड टू रेफर दी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर अक्टूबर 4th बट आस्क दी अथॉरिटीज टू कंसिडर दी पॉसिबल कंसेशन फॉर एस्पिरेंट्स. जो भी कंसेशन पॉसिबल हो सकता है एस्पिरेंट्स के लिए वो अवेलेबल करवाया जाए. अनेबल टू टेक देयर लास्ट शॉट एट द एग्जाम ड्यू टू द पेंडेमिक, द एग्जामिनेशन इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट 72 सेंटर्स जो हैं और 2569 सब सेंटर्स पे एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे ओवरऑल कंट्री के अंदर. और एक बेंच जो है जस्टिस AM खानविलकर सर की, उन्होंने ये कहा कि सिक्योरिटी और हेल्थ प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा. इट अग्रीड विद द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दैट एनी फर्दर डिले इन द कंडक्ट ऑफ द एग्ज़ाम वुड बी अ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन फ्यूचर वंस. अगर अभी हम एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देते हैं, किसी भी तरीके का कोई इफ़ेक्ट नज़र आता है एग्ज़ाम के ऊपर, तो ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो है हमारे जो फ्यूचर के अंदर जो भी आने वाले जो प्रॉब्लम्स है या फ्यूचर में जो आने वाले एग्ज़ाम्स है उस पर उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा. द बेंच आस्क द अथॉरिटीज़ टू इंश्योर द कैंडिडेट्स विथ एडमिट कार्ड्स आर एबल टू फाइंड सूटेबल अकोमोडेशन नियर द एग्ज़ाम सेंटर्स. द UPSC थ्रू एडवोकेट नरेश कौशिक सेड दैट इट्स लॉजिस्टिकल आर्ग्यूमेंट्स वर कम्प्लीट. इट हैज़ रिक्वेस्टेड चीफ सेक्रेटरीज टू इंश्योर द रनिंग ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन 3rd and 4th October. चीफ सेक्रेटरी से ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो जो है ये इंश्योर कर दे कि 3rd और 4th को पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो जाए. द कमीशन हैड ऑल्सो रिटर्न टू द रेलवे बोर्ड टू इंश्योर ट्रेन्स आर रन अक्रॉस सेक्टर्स टू ट्रांसपोर्ट 10.5 लाख कैंडिडेट्स हु हैव एनरोल्ड फॉर द एग्ज़ाम. 10.58 लाख कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए एनरोल किया है, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए ये इंश्योर किया जाए कि ट्रेन्स जो है सेक्टर्स जो है कमीशन की रिक्वेस्ट है, उन्होंने राइट किया है, दे आर रिटन टू द रेलवे बोर्ड कि वो सेक्टर्स के मुताबिक जो है ट्रेन्स को चलाया जाए.
The commission said it has already spent approximately 50.39 crore rupees on the preparation. तो अल्टीमेटली इतना सारा मनी स्पेंड करने के बाद आप ये डिमांड कर रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, तो ये किसी भी लेवल पे जो है सही नहीं होगा. या जो जो भी पॉसिबल कंसेशंस हैं वो होने चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली आफ्टर ह्यूज एफर्ट्स ऑफ और आई कैन से ह्यूज स्पेंड ऑफ ऑल दीज टाइप ऑफ सॉरी ऑल अ ह्यूज अमाउंट I mean of 50.39 crore rupees. It's not a small amount. It's a huge amount. And after spending such amount, if you are demanding that please postpone the exams or something else, it is practically not possible. Okay. So what is the cascading effect of it? The UPSC said the exam was earlier scheduled for 31st May. UPSC ने बताया कि पहले एग्ज़ाम 31st मई को जो है शेड्यूल किए गए थे, लेकिन उसके बाद पेंडेमिक के चलते 4th अक्टूबर को शिफ्ट कर दिए गए. ओवर द ईयर्स काफ़ी सालों ओवर द ईयर्स द साइकिल हैज़ इवॉल्व्ड इन्वॉल्विंग रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड फाइनल अपॉइंटमेंट इंश्योरिंग दैट द गवर्नमेंट गेट्स इज ए रिक्वेजिट मैन पावर ऑन टाइम. Any disruption at any stage has the potential of upsetting the entire cycle, not only for once but is likely to have cascading effects in future as well, the UPSC affidavit said. Okay, so ultimately it was practically not possible to postpone the exams. The postponement of exam will create a negative impact on future generation, or future exams will also suffer for this. So ultimately it was not a good step to postpone the exam. But yeah, now according to the situation, UPSC should go through the proper concessions or proper constraints to go for exams at all. Okay, and if they are going to conduct the exam, they should know what are the major precautions or precautionary activities they have to follow. Okay, let's take the next one. Justice in ruins. The India cannot afford successive judicial setbacks to secular values and rule of law. The ruins of the Babri Masjid was cleared in record time by the hordes of vandals. Mobilization for demolishing it. Some detritus was still left, though a belief among many that justice would be done and the constitution and rule of law would be upheld if the criminal court punishes those who plotted the event of December 6, 1992. Even when the Supreme Court handed over the empty site to those who wanted the mosque brought down to build a Ram temple. Okay, so देखिए basically justice in ruin, justice को point out किया गया है. आपको पता है काफ़ी मुद्दे में है बाबरी मस्जिद वाला. अगेन जो मुद्दा है बाबरी वाला वो उठकर सामने आया है और काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं. सो मैं आपको बताती हूँ. सो वी ऑल नो बेसिकली रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि उन्होंने आडवाणी जी और अदर जो मेंबर्स हैं 31 मेंबर्स उनको एक्विटेड कर दिया है 1992 के केस को लेकर. सो बेसिकली इवन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट हैंडेड ओवर द एम्प्टी साइट टू दोज हु वांटेड द मॉस्क ब्रॉट डाउन टू बिल्ड अ राम टेम्पल. जो लोग चाहते थे कि राम टेम्पल बिल्ड करने के लिए अल्टीमेटली मॉस्क को जो है गिरा देना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ. देखिए बेसिकली अगेन ये जो पूरा आर्टिकल है ये इसी पर बेस्ड है, आडवाणी जी और जो पूरा जो सिनेरियो है 31 मेंबर्स का. उनकी ये डिमांड थी कि बाबरी मस्जिद को गिरा देना चाहिए, वहाँ जो मस्जिद है उसे अबॉलिश कर देना चाहिए. उसका रीज़न ये था कि उनकी ये डिमांड थी कि यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए. देखिए मंदिर बना है अभी भी, लेकिन अभी जो डिसीज़न आया है वो अल्टीमेटली एक फाइन डिसीज़न है कि यस मंदिर जो बना है उसके अगेंस्ट जो जितना भी एरिया होता है, इवन उससे ज़्यादा एरिया जो है बाबरी मस्जिद के लिए जो है प्रोवाइड करवाया गया है.
और मस्जिद भी पैरेलली कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी घटित हो रही है, अभी का डिसीजन जो है वो काफ़ी सबूत और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। लेकिन अल्टीमेटली हम बात कर रहे हैं आडवाणी जी के 1992 6 ऑफ दिसंबर के उस डिसीजन की, जिस समय जो है आडवाणी जी और अदर मेंबर्स की ये डिमांड थी, उनका ये कहना था कि ये जो सिस्टम है, ये जो मस्जिद है, उसे अभी ही एज ऑफ नाउ अबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मंदिर ही बनना चाहिए। अच्छा, उस समय सरकार की ये आडवाणी जी की और अदर मेंबर्स की जो डिमांड थी, उसे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। उसका कारण था, उनके पास पर्याप्त जो है, या हम कह सकते हैं अवेलेबल एविडेंस या प्रूफ नहीं थे। अब उस एब्सेंस के अंदर, उन प्रूफ के एब्सेंस के अंदर बेसिकली ये सारी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुई, कंडीशंस क्रिएट हुई, जिसके चलते डिसाइड किया गया कि अभी रिसेंटली ये जो है आडवाणी जी को इससे पूरी तरीके से बरी कर दिया गया है और अदर मेंबर्स को इस पूरी सिचुएशन से बरी कर दिया गया है। तो अल्टीमेटली इस पूरे आर्टिकल के अंदर इसी को लेकर बात की गई है कि क्या उन्हें बरी करना सही है, क्या उनके द्वारा रखे गए जो मुद्दे या जो स्टेटमेंट्स थे वो सही थे, क्या उन्होंने जो डिमांड की थी वो जो है सही थी या गलत थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड सक्सेसिव जुडिशियल सेटबैक टू सेक्युलर वैल्यूज़ एंड रूल ऑफ लॉ। सेक्युलरिज्म के बेसिस पर जो है जुडिशियल वैल्यूज़ नहीं है हमारे पास में, हम अफोर्ड ही नहीं करते और ना ही हम जो रूल ऑफ लॉ को अफोर्ड करते हैं, ऐसा कहना है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का। ओके, सो उन्होंने इस आर्टिकल के अंदर जो है जस्टिस इन रियून को दर्शाया गया, ये बताया गया है कि पूरी सिचुएशन जो है उसके चलते जस्टिस को पूरी तरीके से जो है वी जस्ट साइडेड, एक साइड करके जस्टिस को पूरी तरीके से एक साइड में रखते हुए हम लोग आगे बस चले जा रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस की गई, ठीक है। अल्टीमेटली ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, ये देखिए यहाँ पे एंड हो रहा है, ये अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने बैठती हूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। वैसे ये पूरे तरीके से एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट कवर करता है जिससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से जितना डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, जितना इम्पोर्टेंस रखता है जस्टिस हमारे लिए, उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया। तो अल्टीमेटली वी वर डिस्कसिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ओके, एंड यू शुड गो फॉर दिस आर्टिकल, आपको पढ़ना चाहिए इस आर्टिकल को। मैं आपको इन शॉर्ट बता चुकी हूँ, फिर एक बार बता देती हूँ। आडवाणी जी और 31 मेंबर्स जो हैं, जिन्होंने डिमांड की थी 1992 के अंदर 6th ऑफ दिसंबर कि मस्जिद जो है उससे पूरी तरीके से कोलैप्स करके और यहाँ पे जो है मंदिर का निर्माण करवा देना चाहिए, और लेकिन बिना किसी सबूतों और गवाहों के जो है उनकी ये बात कही गई थी और उनके द्वारा कुछ दावे किए गए थे जिसके चलते उन्हें जो है इस केस में दोषी करार दिया गया था। और अब जो है अल्टीमेटली आफ्टर अ ह्यूज टाइम ऑफ डिफरेंस, अब आडवाणी जी को इस केस से बरी कर दिया गया है। आडवाणी जी और 31 अदर मेंबर्स को इस केस से पूरी तरीके से बरी कर दिया गया है। तो अल्टीमेटली इसी को लेकर, इस मुद्दे को लेकर और से रिलेटेड इफ़ेक्ट्स को लेकर यहाँ पर डिस्कस किया गया इस आर्टिकल में कि क्या जस्टिस यही है, कि बस इसी बात को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। और ये बहुत लंबा यहाँ तक आर्टिकल है, सेक्युलरिज्म, सेक्युलर वैल्यूज़ एज वेल एज जस्टिस, एज वेल एज आडवाणी जी, एज वेल एज मस्जिद एंड मंदिर, इन सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। उसके साथ में मनमोहन सिंह जो लिबरल कमीशन है उसे भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। उस कमीशन का क्या रिक्वेस्ट थी, इलाहाबाद कोर्ट का क्या रोल था, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डिस्कस की गई। हिंदुइज्म और मुस्लिम्स जो है, या हम कह सकते हैं सेक्युलरिज्म के नाम पे जो है पूरी तरीके से जस्टिस की बैंड बजाई जा रही है, इस आर्टिकल का ये कहना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन द क्वाड डिफाइन द आइडिया चार्ट अ पाथ। क्वाड आपको पता है कि चार देशों का समूह जो है वो क्वाड है, जिसके अंदर भारत भी सम्मिलित है। तो अल्टीमेटली पॉजिटिव रीजनल एजेंडा बिल्ड अराउंड द कलेक्टिव एक्शन बाय द क्वाड मेंबर्स विल आल्सो टेक केयर ऑफ चाइनाज श्रिलनेस। ओके, इट इज़ रिपोर्टेड दैट द सेकेंड मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द फोर कंट्रीज, दोनों चारों कंट्रीज की जो है दूसरी मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग है
वो ऑर्गेनाइज की गई थी, हेल्ड इन जापान. इट वाज हेल्ड इन जापान ओनली. सैडली द पर्सन हु कंसीव्ड दिस आइडिया, शिंजो एबे, हैज स्टेप्ड डाउन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान. नाउ मिस्टर एबे वाज अ स्ट्रेटेजिक थिंकर हु थॉट बियॉन्ड द लिमिटेड टाइम फ्रेम ऑफ जापानीज रिवॉल्विंग डोर. ओके, सो जापान का एक जो रिवॉल्विंग डोर है उससे भी कहीं बढ़कर एक बहुत ही उच्च विचार है, कि बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं डिफरेंटली सोचने वाले एक इंडिविजुअल थे जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, दैट इज शिंजो एबे, जिन्होंने पूरी मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी. लेकिन वो एक बहुत अच्छे थिंकर हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बड़े दुख की बात है कि जिसने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी शिंजो एबे जी, वो अब अपने पद पर नहीं है. ओके, नाउ पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्वैड किसका सम्मेलन है. 2007 में फॉर्म किया गया एक क्रिएशन है जिसके अंदर US, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित हैं. ठीक है, ये मिल करके चारों देश जो है क्वैड के रूप में कार्य करते हैं और आपस में संबंधों को सुधारने के लिए इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में बल दिया गया है. ठीक है, What is the evolution? The global financial crisis was still lurking in the shadow of America, continued to enjoy its unipolar moment. The American establishment still believed that it could, okay, somehow persuade China to become a responsible stakeholder. And in any case required Chinese goodwill in dealing with America's priority. देखिए basically ये सब ये article थोड़ा सा clear नहीं है मुझे, फिर भी मैं आपको explain कर दे, clear मतलब जो इसके words हैं वो clear नहीं हो पा रहे, मैं आपको explain कर देती हूँ. Quad जो है China, Australia, sorry Japan, Australia, India and US, चारों देशों का, चारों ही बहुत संपन्न राज्य हैं, चारों देशों का आपस में एक जो है कॉम्बिनेशन है जो वर्क करता है एक दूसरे के लिए. क्वैड की सेकेंड मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी जापान के मिनिस्टर मिस्टर शिंजो एबे द्वारा, जो कि अब अपने पद पर नहीं है, उसको लेकर के यहाँ पे जो है एक दुख को एक्सप्रेस किया गया है, सौरव एक्सप्रेस किया गया है कि अब वो जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की वो अपने पद पर स्थापित नहीं है. और अल्टीमेटली वी डोंट नो व्हाट हु विल बी द नेक्स्ट लीडर एंड हाउ ही विल और शी विल बी रिएक्ट, शी विल रिएक्ट लाइक. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, इस पूरे आर्टिकल के अंदर जो है इवोल्यूशन को डिस्कस किया गया, मतलब क्वैड के चलते जो हमारे संबंध हैं चारों देशों के उसे यहाँ पे डिस्कस किया गया है. देखिए रिसेंटली चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर जिस तरह की स्ट्रेटजी प्लान कर रखी है, जिस तरह की चीज़ें हैं दोनों प्लान कर रहे हैं, दोनों के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस क्रिएट हो रहे हैं, जिस तरीके के बॉर्डर रिलेशन क्रिएट हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं हमारे लिए टेंशन की बात है कि पाकिस्तान और चाइना मिल करके और दोनों जो है हमारे खिलाफ जो है साजिश रची जा रही है दोनों के द्वारा. बट हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सपोर्टिंग हैंड है क्वैड. तो क्वैड जो है उसके अंदर किस तरीके से आइडियाज़ को डिफाइन किया गया है, किस तरीके से एक पाथ क्रिएट किया गया है, पाथ को चार्ट आउट किया गया है, एंड प्लूरिलेटरल मैकेनिज्म क्या है इसका, और आज की डेट में हमें क्यों ज़रूरत है इसकी, और किस किस लेवल पे वर्क कर रहा है और उसके क्या इम्पैक्ट्स नज़र आ रहे हैं. तो ये पूरा आर्टिकल जो है वो बेस्ड है क्वैड पर, क्वैड के रिलेशंस, क्वैड का वर्क और क्वैड के एफर्ट्स पर. ठीक है, और उस क्वैड के एफर्ट्स का क्या इम्पैक्ट है वर्ल्ड लेवल पे, उसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डिस्कस किया गया है. एक पॉजिटिव रीजनल एजेंडा जो है वो अपने आस पास एक कलेक्टिव एक्शन क्रिएट कर सकता है, और उसी को यहाँ डिस्कस किया गया है, जो कि क्वैड मेंबर्स कर रहे हैं. क्वैड मेंबर्स भी चाइना को श्रिल करने के लिए रेडी हैं, एंड दे आर क्रिएटिंग सच एटमोसफेयर जो कहीं ना कहीं चाइना को, देखिए चाइना जो है उससे ये चारों कंट्रीज़ जो कि क्वैड की मेंबर्स है वो चाइना से इफेक्टेड है, चाइना के इफेक्ट से इफेक्टेड है. तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वी कैन से दैट अब हमारे बीच जो ये फोर्थ मीटिंग है, इसका सेकेंड मीटिंग है, इसका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आएगा चारों कंट्रीज़ का. और उसका इम्पैक्ट जो है सबसे ज़्यादा अभी जिसको नीड है वो है चाइना. ओके, सो चाइना विल हैव टू सफर विद ऑल दीज थिंग्स. द नेक्स्ट इज़, ओके लेट्स टेक द नेक्स्ट आर्टिकल. द नेक्स्ट इज़ टाइम टू शिफ्ट फोकस्ड ऑन द फोकस टू द मैरिटाइम स्फीयर. इंडियाज़
obsession with continental strategies has yielded unflattering results. No secure borders or deterrent stability. For the country that has been traditionally obsessed with a continental approach to the war and peace, India's continental grand strategy is facing an existential crisis today. Given that reconciliation with its key adversaries China and Pakistan is unlikely at this point, and pursuing its ambitious territorial claim on the ground of almost impossible. Now New Delhi's continental options seems restrictions to hold operations to prevent further territorial loss. Put differently, New Delhi's grand strategic plan in the continental space may have reached a dead end. So here we discussed about the state of continental strategy, what will be the changes in Afghanistan of all these things, what will be the maritime strategy, and what we have to think beyond a division. ओके मैरीटाइम स्फेयर को फोकस करने की ज़रूरत है. इंडिया का जो रिसेंट इशू चल रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के चलते, जो टेरिटोरियल जो एस्पेक्ट है जो चाइना कवर करना चाहता है टेरिटोरियल फॉर्म में, जिस तरीके से वो कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, और इसके पीछे इनका चाइना का और पाकिस्तान के संबंधों को दर्शाया गया है. तो इन सब चीज़ों को देखकर अब ये वक्त आ गया जब हम मैरीटाइम स्फेयर की तरफ अपना रुख करें, उस तरफ अपना फोकस बढ़ाएं, है ना. तो हमारी जो कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजीज हैं उनको अब हमें उन पर वर्क करने की ज़रूरत है. और नो सिक्योर बॉर्डर्स और डिटरेंट स्टेबिलिटीज हेयर, सो वी हैव टू वर्क ऑन वाटर बॉडीज मैरीटाइम स्फीयर बेसिकली. ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि दोनों देशों के साथ जो पाकिस्तान और चाइना है, इन दोनों के साथ हमारे जो संबंध है वो किसी भी स्तर पे जो है पॉजिटिव वे में नहीं जा रहे हैं, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है. तो ये जो इम्पैक्ट है ये हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट ना क्रिएट करे. उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें मैरीटाइम स्फीयर की तरफ फोकस करना. उससे पहले हमें मैरीटाइम, अगर हम क्वाड के रिलेशंस को और मैरीटाइम फोकस का मतलब ये है कि वो सारे देश जो देखिए, हम ओवरऑल जो हम कह सकते हैं कि हमारा जो टेरिटोरियल एरिया है वो बेसिकली चाइना पाकिस्तान की मेजर बाउंड्रीज़ को शेयर करता है ना. तो अल्टीमेटली उनके जो इरादे हैं, उन जो नेक इरादे जिसे हम कह सकते हैं, वो सामने आ चुके हैं कि वो किस तरीके से, और काफ़ी टाइम से हमें पता भी है. तो अब उससे ओवरकम करने के लिए वी नीड टू वर्क ऑन मैरीटाइम स्फीयर्स, शिफ्ट आर फोकस ऑन मैरीटाइम स्फीयर. वी हैव टू फोकस ऑन ऑल दोज कंट्रीज और ऑल दोज नेबर्स विच आर हैविंग देयर ओन आइडेंटिटी विद अस in maritime sphere. Okay, so we have to go for it. No secure borders are here, no stability is here, and these countries can go for anything that they want. If they want anything, then they can go for anything. Okay, we know very well that what Pakistan and China can do, but for the removal of all these efforts of both the countries, or for the negative effect of all these countries or their efforts, we need to work on maritime spheres. Okay, so it is all about it. We need to think beyond a division. We have to work on it, and the MEA's Indo-Pacific division is a good beginning. So it is a good decision to go for 2019 elevation of Quad meeting, and Quad relations can somewhere make a good view of us or view of future, so that we can work towards this. Okay, ultimately पूरे article में ये बताया गया है कि जो Quad relations है या other countries maritime की तरफ, पानी की तरफ, जो हमारा नीचे की तरफ जो relation है हमारी दूसरी countries के साथ में southern portion के अंदर, या हम कह सकते हैं maritime area के अंदर, तो उस सारी condition के अंदर maritime sphere के अंदर हमारे जो relation है उनको strong बनाते हुए हम अपने territorial borders जहाँ share हो रही है China और Pakistan, उनको कहीं ना कहीं ध्वस्त कर सकते हैं, जहाँ हम लोग पूरी तरीके से इन लोगों से घिर चुके हैं और ये जानते हैं कि दोनों कंट्रीज़ अपने
चरम पर है, दोनों कंट्रीज़ अपना कब्ज़ा जमाने के लिए, इंडिया को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए दोनों कंट्रीज़ बिल्कुल रेडी हैं और रेडी रहती है इवन, तो उन्हें कहीं ना कहीं जो है शांत करने के लिए, उनके पावर्स को जो है पूरी तरीके से डिमोलिश करने के लिए वी नीड टू वर्क ऑन मैरिटाइम अफेयर्स एंड वी नीड टू शिफ्ट आवर फोकस ऑन द मैरिटाइम अफेयर्स एंड वी नीड टू वर्क ऑन क्वाड रिलेशंस एंड अदर इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. And next is, okay, the articles we have discussed has already been done. जितने भी आर्टिकल्स हैं पहले हमने पढ़ा, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट होने वाले हैं 4 अक्टूबर को, वो शिफ्ट नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया है. और वहीं पे दूसरी तरफ हमने पढ़ा कि जस्टिस इन रियून जो है, जस्टिस को फिर से एक बार पॉइंट आउट कर करे मिलाकर खड़ा कर दिया है, बिकॉज जो आडवाणी जी और अदर 31 मेम्बर्स जो है उनको जो बरी किया गया है, बाइज़त बरी कर दिया गया है उस मुद्दे को लेकर, जहां उन्होंने ये कहा था कि राम मंदिर को बना देना चाहिए और मस्जिद को वहां से पूरी तरीके से ध्वस्त करके हटा देना चाहिए. तो ये सारी सिचुएशंस जो है सेक्युलरिज्म को शो नहीं करती है, एंटी सेक्युलरिज्म को शो करती है. तो उसको देखते हुए वी नीड जस्टिस एंड जस्टिस जो है वो नहीं दर्शाया गया इस पूरे मुद्दे में. तो ये बहुत लंबा आर्टिकल है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बताते हुए ये कहा था कि आप इसे खुद से पढ़ेंगे, और कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इसके अलावा हमने क्वैड रिलेशन के बारे में डिस्कस किया, एंड अदर देन दिस हमने फिर क्वैड के रिलेशन और क्वैड से रिलेटेड संभावनाओं के बारे में डिस्कस किया, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट क्वैड रिलेशंस के तहत हमारा क्रिएट हो सकता है, जो कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान की नेगेटिव सोच को जो है इम्पैक्ट करेगा. ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई. ठीक है, द नेक्स्ट इज़ अबाउट फियर इज़ अ रिएक्शन, करेज इज़ अ डिसीजन. इफ़ यू आर फियर्ड इट इज़ अ रिएक्शन, you will give a reaction, but if you are courageous then you will give a decision. Okay, so make understand the difference between fear and courage and go for it. Okay, you can crack it, you have exams on 4th of October, just go and crack it, you are able to do anything. Okay, so bye bye, take care, have a great time ahead. Thanks for watching, thanks for thanks for your support, thanks for liking and sharing the channel, and I hope you all did it. Bye bye, take care, have a great time ahead.